हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं टर्टल वाइन के बारे में। इसकी लीव्स देखिए बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, सुंदर सी, बिल्कुल हार्ड एकदम शाइनी लीव्स होती हैं और ये बहुत सुंदर क्रीपर है। आप इसको लगा देंगे और इतनी जल्दी फैलता है, एक छोटा छोटा बेल आप इसकी लगा दें और ये बिल्कुल अच्छे से फैल जाता है, पूरी जगह कवर कर लेता है और लगे हुए भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए और अगर इसको हम धूप में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स है वो पीली पड़ जाएगी, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, उसी में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। शुरू में मैंने इसको बाहर रखा था जहाँ डायरेक्ट सनलाइट इसमें आ रही थी और वहाँ पे उसकी लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, ये थोड़ी नियॉन कलर में हो जाती है पर डल लगती है, ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तभी ये ज़्यादा सुंदर भी लगेगी और अच्छे से ग्रो करेगी। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि हम कैसे इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसकी हमें 4-5 इंचेस लंबी डंडियां काटनी हैं और हम उसको फिर डायरेक्ट मिट्टी में प्लांट कर देंगे और वैसे ही अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, बट इसको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्की सी धूप में रखना है हमें। तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम अलग से बास्केट बना सकते हैं इसकी और ऊपर हैंग कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर लगती है, या जो कोई भी हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग गमले हैं घर में, जैसे मैंने ये पाम में लगाया हुआ है, ये बहुत सुंदर प्लांट है और इसके साथ में साइड में छोटा छोटा आप लगा दो तो इतने अच्छे से फॉल करेगा, आपको अलग से गमला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में मैंने इसी तरीके से रखा हुआ है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जब भी कोई प्लांट कोई हम कटिंग लगाते हैं तो हमें इवनिंग में ही लगाना चाहिए, उससे क्या होता है प्लांट को पूरी रात मिल जाती है सेट होने के लिए। तो ये प्लांट है टर्टल वाइन, ये बेल है, क्रीपर है, इसको हम जब ये कटिंग करते हैं कोई भी मेन प्लांट से तो इस हिसाब नीचे से 2-3 पत्ते निकाल के बस इतनी जो इसकी डंडी है ये बस हम मिट्टी में डाल दें और ये अच्छे से ग्रो हो जाता है इसमें। इसके लिए कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी लंबी हमने डंडी काटी है, इसको हम हाफ कर देते हैं, एक पत्ता नीचे से निकाल देंगे, एक या दो नोट इसकी रहें और इसको हम मिट्टी में लगा दें, बस ये लग गया। हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमें कभी भी तेज़ धूप में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर हम धूप में रख देंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो बर्न कर लेंगे और वो पीले हो जाएंगे, प्लांट ख़राब हो जाएगा हमारा, तो हमें हमेशा इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। इसको कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, इस प्लांट को ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डालने की ज़रूरत है, नॉर्मल जो हम लोग ऑर्गेनिक खाद डालते हैं वो डालें हम महीने में एक बार, और इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से किसी पौधे में लगाना है, अलग से गमले में लगाना है, आप अपने कोई एग्जिस्टिंग प्लांट में भी लगा सकते हैं, जैसे कोई एक बड़ा प्लांट है उसके साइड में आप थोड़ी सी ये वाइंस लगा दें तो वो भी अच्छे से ग्रो करेगा, या आप इसको बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से हैंग करता है ये। तो अब मैंने सारी कटिंग्स लगा दी हैं और अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि ये अच्छे से मिट्टी में सेट हो जाए और इसकी जो ग्रोथ है आगे की ग्रोथ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video and please comment, subscribe to Creative Corner by Dipali. Thank you.